हेलो गाइस, मैं गिरिराज सिंह चेतन मीना आईएएस एकेडमी से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत ही बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाए। एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव, दोनों बहुत अंतर होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग अगर अपन बात करते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इसका पैटर्न दिया है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों एमपीएसआई। एमपीएसआई में इसका जो रोल है वो 30 मार्क्स का रोल है, 30 नंबर का इंग्लिश आपका एमपीएसआई में आता है। जैसे मैंने देखा अभी पिछले 5 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो सबसे बड़ी मैंने प्रॉब्लम ये देखी कि एमपीएसआई में 90% स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स इंग्लिश में आ ही नहीं पाते। उसका रीजन होता है कि ज्यादातर एमपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनकी एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है इंग्लिश। तो मैं आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लेकर आया हूँ बच्चों कि मेरे कई स्टूडेंट 30 out of 30 मार्क्स लेकर आए हैं और आप भी 30 out of 30 ला सकते हैं। केवल आपको एक सही गाइडलाइन और एक सही अप्रोच अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही आसानी से हम 30 out of 30 मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। मैं ऐसे कई स्टूडेंट से आपको बीच में लाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, 30 out of 30 मार्क्स लेकर आए हैं। तो हम इस पर बात करते हैं धीरे धीरे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते जाएंगे। इंग्लिश को एक फोबिया बना दिया बच्चों, केवल एक फोबिया है, एक डर बना दिया है। उस डर को खत्म करना है। उस डर को खत्म करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं गिरिराज सिंह, और मैं आपको, अगर आपने मेरे लगातार वीडियो लेक्चर देखे तो मैं 30 out of 30 मार्क्स आपके लाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रामर। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है एडवांस ग्रामर और एक होता है अपना एलिमेंट्री ग्रामर। एडवांस ग्रामर में क्या क्या आता है, एलिमेंट्री ग्रामर में क्या क्या आता है, इनके बारे में अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ग्रामर। एलिमेंट्री ग्रामर में आपका बच्चों आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको नाम भी बताता जाऊंगा, एक डेफिनेशन भी बताता जाऊंगा, तो आप समझते जाना और आपकी मेरे स्क्रीन के पीछे आपको इसके डेफिनेशन मिलते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देयर इज एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, जनरली बच्चों इसको साउंड करते हैं एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में कभी भी डी आ जाता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, मैंने बोला एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये मिला के बच्चों अगर अपन बात करें तो 8 parts ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने इसको बहुत डाउन टू अर्थ जाके एक बार मैंने इसका एक एनालिसिस किया कि किस तरीके से अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इस थोड़ा सा डिस्कस करता हूं इसके बारे में कि क्या क्या अपन किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहले मैंने लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों रखा गया, देखो मैं बच्चों एक आपको बताऊं, डाउन टू अर्थ जाके मैंने चीजें ये एनालिसिस की हैं कि अपन उसको थोड़ा ऊपरी लेवल से ना सोचे, थोड़ा डाउन टू अर्थ आके सोचें, तो हमें बहुत जल्दी चीजें समझ में आई। जैसे मैं मान के चलता हूं कि हमारे दोस्तों में अपन ले लें, कोई मोटा होता है तो हम उसको मोटू बोलने लगते हैं, पतला होता है तो पतलू बोलने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है बच्चों, अगर इसी तरीके से अपन इसको ले तो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स आप सभी जानते हैं, पार्ट्स सभी के पार्ट्स। जैसे मुझे कार बनाना है, क्या चाहिए, पार्ट चाहिए। स्पीच क्या है, स्पीच मतलब होता है स्टेटमेंट। स्पीच मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। तो किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस को बनाने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम पड़ा इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों नाउन के बारे में। नाउन का डेफिनेशन जनरली हम बचपन से रखते आए, नाउन इज अ नेमिंग पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बच्चों कंपटीशन है, कंपटीशन में अपन को थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जो बुक्स में लिखा हुआ। अगर यही अगर एग्जाम में आ जाता बच्चों तो हम कहीं से भी कोई वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं बच्चों जो आपको, अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपने लगातार कंटिन्यू देखे बच्चों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आप 30 out of 30 इंग्लिश में आप मार्क्स लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाउन के डेफिनेशन का। नाउन का डेफिनेशन क्या बोलता है, अ नेमिंग ऑफ बर्ड। किसी भी शब्द के नाम को नाउन कहते हैं, अ नेमिंग ऑफ बर्ड, किसी भी शब्द के नाम को। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर हम डेफिनेशन पर जाएंगे तो कुछ नहीं, आज तक नहीं सीख पाएंगे, और आज तक भी हम इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि हम बुक का लैंग्वेज पढ़े। थोड़ा हमारी तरफ से सोचना है हमको डेफिनेशन क्या होता है। मैंने सबसे पहले लिया नाउन, तो नाउन में आपने डेफिनेशन लिया अ नेमिंग ऑफ बर्ड, किसी भी शब्द के नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन क्या है, एवरीथिंग इज द नाउन इन द वर्ल्ड, इस संसार में जो कुछ है वो सब नाउन है। आप नाउन है, मैं नाउन हूं, और ये कैमरा नाउन है, और ये कैमरे में बनाने वाला व्यक्ति भी नाउन है। समझ पा रहे मेरी बातों को, तो मैं यहां पर आपके बारे में, नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं बच्चों।
जनरली आपने डेफिनेशन रट रखा है कि ये रिप्लेस करता है, ये करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, जो रटने का काम पहले करते चले आए हैं और जो रटाने का काम जो टीचर कर रहे हैं, उनके एग्जाम नहीं निकलते, वो केवल एक स्टूडेंट बनकर आते हैं और पैसा देकर वापस चले जाते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता बच्चों, हम प्रैक्टिकली सोचवाते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकली सोचवाते हैं कि सोच तू प्रैक्टिकली, और अगर तूने प्रैक्टिकली सोचा है बच्चों तो बहुत ही आसान होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन अपन जनरली बात करते हैं कि नाउन, नाउन मतलब इट मींस दैट नाउन को बार बार रिपीट करेंगे, राम इज दिस, राम इज दिस, थोड़ा ऑड लगता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन अपना है बच्चों टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों क्या, प्रोनाउन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मैंने अगला डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ इसी के साथ। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है अपना टू क्वालिफाई ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। इसी वीडियो को